नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कल बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट आ गया। बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर रिजल्ट जो है जारी कर दिया। बता दें कि अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चे को बधाई दी है। जो सफल हुए परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ट्वीट कर बधाई देते हुए क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है, मैट्रिक परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक बधाई। इस वर्ष का उत्तीर्णता प्रतिशत जो है पिछले 10 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। टॉप 10 परीक्षार्थियों की मेधा सूची में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थियों में 4 छात्राएं हैं। छात्राओं के इस प्रदर्शन के लिए उनके साथ ही उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। लड़कियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही हैं। सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना है, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका उस चीज़ों का फ़ायदा उठा के या फिर यूँ कहें कि उन चीज़ों से उनको आगे बढ़ने का जो है राह मिला है। कहीं ना कहीं उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और वो आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। हर एक क्षेत्र में छात्राएँ जो हैं लड़कियाँ जो हैं निरंतर आगे प्रगति कर रही हैं, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है। वहीं आपको बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड का 10th का जो रिजल्ट है वो 3-3 कीर्तिमान हासिल किया है। पहले की बात करें तो 10 साल में पहली बार मैट्रिक में बोर्ड में 81.4% स्टूडेंट सफल हुए हैं। वहीं दूसरी की बात करें तो 10 साल में पहली बार किसी टॉपर को 97.8% यानी कि 489 अंक जो है प्राप्त हुए हैं। फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है अब घटकर 19% से भी नीचे आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के 3-3 प्लस पॉइंट कहे जा रहे हैं, जिसमें पहली बार जो है 81.4% जो है बच्चे सफल हुए हैं और असफलता यानी कि अगर फेल होने वाले बच्चे की बात करें तो 19% से भी नीचे घट के चला गया है। तो वहीं पहली बार किसी स्टूडेंट को 97.8% जो है मार्क्स आया है। बिहार के फर्स्ट टॉपर जो है उनका नाम जो है मोहम्मद रुमान अशरफ, उनको 489 अंक प्राप्त हुआ है। ऐसे में वो बिहार टॉपर यानी राज्य भर में अपना पंचम लहरा दिया है। तो वहीं बाकी की जो टॉपर है, 3 फर्स्ट में जो लड़कियां हैं उनमें 1 लड़के हैं और बाकी 3 जो है लड़कियां हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड के द्वारा पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया है और तमाम जो 3 कीर्तिमान हासिल हुए हैं, यानी कि पहले रिजल्ट आ गया, सफलता का दर इतना बढ़ गया और यानी कि कहें कि बच्चे जो फेल हुए हैं उनकी भी प्रतिशतता यानी कि उनका जो आंकड़ा है कम हो गया है। अब बिहार बोर्ड के द्वारा मुख्यमंत्री ने भी बधाई कर ट्वीट कर ये बताया है कि बिहार की जो छात्राएँ हैं बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चल रहा है उसका लाभ उठा रही है और निरंतर प्रगति की राह पर हैं। ऐसे में उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बच्चों को और उनके अभिभावक को भी बधाई दी है, उनकी सफलता और उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।